إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। कल हमारे पड़ोस में जो वाकया हुआ तो उसकी तफसील मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर उस हवाले से बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। असल वाकया क्या है, असल हकीकत क्या है, वो आप हज़रात के सामने रखना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप भी हकीकत हाल से वाकिफ़ हों और जो लोग इस प्रोपेगंडे का शिकार हो रहे हैं उनके सामने भी ये हकीकत आ जाए। मसला यह है कि आज से तकरीबन कोई 2 माह कबल मेरे पास वहाँ के डॉक अब्दुल्ला के मकामी कुछ साथी आए, जिनमें भाई वकास साहब भी थे, ठेकेदार वकास गुल साहब। इन्होंने हमें बताया कि हमारे पड़ोस में ये जो मस्जिद बनी है और इसमें जो मज़ार है इसके अंदर बिल्ला दफनाया गया है। अब जब इन्होंने हमसे ये बात की तो सिर्फ़ इनकी बात पर हमने एतबार नहीं किया। मैंने कहा मुमकिन है ना हो, या कोई और बहुत सारे मामलात होते हैं, बराह रास्त तहकीक करनी चाहिए। तो मैं ख़ुद जाकर उनसे मिला, उस औरत से जो स्पेन में रहती है और कभी कभी यहाँ पाकिस्तान आती है, वो चूँकि आई हुई थी, मैं बराह रास्त जाकर उनसे मिला। मैंने उनसे ये कहा कि हमने ये सुना है कि यहाँ बिल्ला दफन है, तो अब आप बताएँ कि ये बिल्ला है या आपका पोता है। मैंने कहा अगर ये आपका पोता है तो किसी की जुरत नहीं है कि वो यहाँ आकर कब्र को कोई नुकसान पहुँचाए, लेकिन अगर ये बिल्ला है तो यहाँ फिर ये ड्रामेबाजी हम नहीं चलने देंगे, ये दीन के साथ मजाक है। ये उनसे हमने जब बात की तो उसके बाद उन्होंने हमें कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए। एक लड़का भी वहाँ पास था जिसके बारे में उनका कहना ये था कि ये मेरा बेटा है, शाहजेब नाम है, जबकि बाद में पता चला कि वो बेटा नहीं था। तो वो डॉक्यूमेंट हमें दिखा रहे थे कि देखें ये शाहजेब का निकाह नामा है और इसकी बीवी सऊदीया की थी, वो फिर फौत हो गई, और ये बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट है, ये बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट है, ये वो हमें दिखा रहे थे। जब हमने उसकी तस्वीर लेने की कोशिश की, पिक्चर लेने की कोशिश की, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, पिक्चर आप नहीं ले सकते। हमने कहा इसमें कौन सी बात है, कहते नहीं ये हमारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं और पिक्चर आप नहीं ले सकते। बहरहाल हमें तो नहीं पता था कि ये असली या जाली हैं। फिर हमने उनसे ये पूछा कि अच्छा आप ये बताएं कि जो डेड बॉडी आप स्पेन से लेकर आए हैं, उनका कहना ये था कि बच्चा हमारा स्पेन में फोत हुआ है, 3 महीने वहाँ रखा रहा है, प्रोसेस मुकम्मल होने में लगे हैं, फिर हम वहाँ से डेड बॉडी लेकर आए हैं। तो हमने कहा कि जो डेड बॉडी आप लेकर आए हैं तो आखिर उसका भी कोई रिकॉर्ड होता है ना, एम्बेसी की NOC, पासपोर्ट वगैरह। तो इस पर उन्होंने हमें कहा कि हमें स्पेन की नेशनलिटी मिली हुई है और पाकिस्तानी एम्बेसी का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये सारी वहाँ की एम्बेसी देखती है। तो हमें इस चीज़ का पता नहीं था कैसे होता है या नहीं होता है। हमने कहा अच्छा चलें फिर हम मालूमात ले लेते हैं। हमने जब मालूमात ली पता चला कि ऐसा नहीं होता, एम्बेसी NOC जारी करती है, NOC के बगैर कोई डेड बॉडी पाकिस्तान नहीं आ सकती। मतलब ये पहला झूठ उनका हमारे सामने आया, जिसकी वजह से यानी हमारे शकूक व शुबात में इजाफा हुआ। फिर ये भी हमें पता चला कि वहाँ जब ये दफनाने के लिए लेकर आए हैं तो जनाजा भी नहीं हुआ है। अब जाहिर बात है कि ये भी एक करीना है कि जिसे मालूम होता है, आपको भी पता है कि 10 जनाजे भी अगर पहले हुए हो ना तो जहाँ दफनाते हैं तो लोग जनाजा करके ही दफनाते हैं। उन्होंने कहा जी जनाजा स्पेन में हुआ है, इससे भी हमारे शकूक व शुबात में मज़ीद इजाफा हुआ। फिर ये पता चला कि दफनाते हुए ये सिर्फ औरत जो है ये थी और साथ शाहजेब लड़का और मकामी 2-4 बंदे थे। हालांकि अगर किसी बंदे के बच्चा फोत हो तो गरीब से गरीब भी हो तो 50-100 उसके भी आ जाते हैं, तो यहाँ सिर्फ ये 2 जो है ना उसको लेकर आए, ये औरत और ये लड़का शाहजेब। उसके बाद फिर इन्होंने हमें पैसों की ऑफ़र की कि इन्हें कहें कि आप ये लिख के दे दें कि हमारे मामले को आप नहीं छेड़ेंगे, तो उसी वक़्त आपको चेक काट कर जो है ना आपकी मंशा के मुताबिक आपको दे दिया जाएगा। मैंने जवाब ये भिजवाया, मैंने कहा उन्हें कहें कि शायद आपने हमें पहचाना नहीं है, अगर पहचाना होता तो शायद कोई इस तरह की ये लाखों की क्या करोड़ों की ऑफ़र भी हमें ना करते, इतनी जरूरत ही ना होती आपको, लेकिन हमें चूँकि पहचाना नहीं था तो हमने कहा कि आप इसको अपना पोता साबित करें तो हम आपके साथ खड़े होंगे, और अगर पोता साबित नहीं कर सकते हैं तो जाहिर बात है कि फिर ये बिल्ले को हम कबूल नहीं कर सकते, बेशक आप करोड़ों रुपये भी जो है ना वो हमें दे दें।
उसके बाद फिर हमने कोशिश की कि मामला मकामी सतह पर हल हो जाए अमन कमेटी के ज़रिए। ये मैं तफसील इसलिए बता रहा हूँ कि अगर हम शरारत या फसाद ये करना चाहते तो हम, जैसे हमें पता चलता हम रोड ब्लॉक कर देते, लोग हीरो बनने की कोशिश करते हैं ऐसे मौके पे। तो फिर अमन कमेटी वालों के सामने ये बात रखी, उसके बाद फिर मामला थाने तक गया, चूँकि यहाँ वो हल ना हो सका। थाने में जब ये बात गई है, दरख्वास्त विकास भाई ने दी, वहाँ से पुलिस ने इनको उठाने में इतनी जल्दी की और इस अंदाज से आए हैं कि हमने समझा कि ये सारे जो है ना दीन के मुजाहिद और गाजी हैं, कि अब मसला हल हो जाएगा। यानी जिस अंदाज से उन्होंने रेड किया ना इलाके में, जिस तरह वो आए हैं, लेकिन जैसे उनको उठाया, चूँकि उठाने में उन्होंने जल्दी की है, तो हमने समझा शायद अगले मामले में इस तरह हसास होंगे। उठाने में जल्दी की, थाने लेकर गए, तो जो भी तफसील थी वो सारी पुलिस के सामने आई है। वहाँ उन्होंने जो बयानात दिए हैं, फिर विकास भाई भी गए हैं, इनसे भी उन्होंने पूछा है, बहुत सारी बातें उनके सामने आई हैं, और ये सारी चीज़ें भी हमने उनके सामने रखी हैं पुलिस के सामने कि ये चीज़ें हैं। फिर उन्होंने वहाँ से इस मामले में थोड़ी सी, मतलब ये कि वो जब ताखीर होने लगी, हमें महसूस हुआ कि कोई मामला जो है ना वो करने वाले रफा दफा, हमने थोड़ा सा इसको सीरियस लिया। और यहाँ से हमारे जो मोहल्ले के, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह आधे पौने घंटे के शॉर्ट नोटिस पर अपने यानी वो आईडी कार्ड की कापियों समेत तकरीबन कोई 40-50 बंदा मेरे साथ यहाँ से चल पड़ा। मैंने सलाम पेश करता हूँ और ये हमारा फ़ख्र है। जब हम थाने गए तो फिर जाकर उनको ये हुआ कि ये मामला कोई सीरियस होता जा रहा है, तो इस पर कुछ करें। उन्होंने फिर अमन कमेटी वालों से रब्ता किया, बाज़ाब्ता जो पहले ही बात हुई थी अमन कमेटी की, बाज़ाब्ता सबसे नहीं हुई थी, जो मैंने अभी जिक्र किया ना अमन कमेटी का, वो पैगाम हमने पहुंचाया था, लेकिन हज़रात की कुछ मसरूफियात की वजह से वो बात नहीं हो सकी। लेकिन बाद में उन्होंने बाज़ाब्ता पूरी अमन कमेटी को थाने बुलाया और वहाँ सब के सामने जो है ना ये बात हुई। उनका ये कहना था, पुलिस का जो हमें पता चला कि इस मामले से जान छुड़ाएँ, इसको रफा दफा करें, जो पुलिस का मूड था। तो वहाँ ये तय हुआ कि मेरा मौक़फ़ ये था कि इनको बाहर ना जाने दिया जाए, मेरा अपना मौक़फ़ ये था कि इनको ना जाने दिया जाए, क्योंकि ये बाहर जाएंगे तो फिर मामला हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इनकी मौजूदगी में सारा मसला हल होना चाहिए। अब आप अंदाज़ा लगाएं इससे कि हमें यहाँ जो डॉक्यूमेंट दिखाते रहें, डेथ सर्टिफिकेट, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और वो शाहजैब का निकाहनामा, तो पुलिस वालों को कुछ भी नहीं दिखाया, ये अमन कमेटी वाले गवाह हैं, पुलिस वालों को कुछ भी नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि हम चीज़ें स्पेन भूल आए हैं। सवाल ये है कि फिर हमें यहाँ इलाके में जो लोगों को दिखाते फिर रहे थे, तो पुलिस वालों को दिखाना चाहिए था कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये देख लें आप। और फिर दूसरी बात ये है कि मैंने कहा कि ये सारा रिकॉर्ड यहाँ से निकल आएगा, स्पेन जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सारे हजरात का यही मशवरा था कि भाई इनको जाने दिया जाए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास सारी चीज़ें वहाँ हैं तो हम भेज देंगे। तो हमने कहा चले अगर मसला ऐसे हल होता है तो हम अपनी बात से ही जो है ना वो पीछे हट जाते हैं, जाने दें इनको, लेकिन मसला हल होना चाहिए। अब उन्हें जाने दिया गया। ये तकरीबन मेरे ख्याल है 18 तारीख को हमारा ये वहाँ मुआहदा हुआ था, 22 तारीख को उनकी फ्लैट थी, 22 तारीख को वो चले गए। उसके तकरीबन 10-15 दिन हम इंतज़ार करते रहे, क्योंकि थाने में हमने मुआहदा किया था ना कि भी कानून के मुताबिक वो जो राशिद कियानी साहब जो थे उन्होंने कहा था, हमने आई बी को भी लेटर लिख दिया है और FIA को भी लिखा है। और ये जैसे ही रिपोर्ट आएगी कि डेड बॉडी बाहर से नहीं आई है तो इंशाल्लाह हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब आप भी ये जानते हैं कि ये 2 घंटे का काम है, अगरचे पुलिस हमें वो करती रही है कि ये इतना लंबा प्रोसेस होता है, फलां होता है, लेकिन ये लॉलीपॉप हमारे सामने नहीं चलते हैं, हम सब समझते हैं। तो 15 दिन हो चुके थे, नहीं ये जो हमारा वो हुआ था मुआहदा हुआ था, उसके बाद हमारी खामोशी को 15 दिन हमें फरवरी के 18 तारीख थी। 10-15 दिन हम खामोश रहे और मेरे बारे में फिर मशहूर किया जा रहा था कि इसको भी पैसे मिल गए हैं। एक पुलिस वाले ने भी कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन्होंने कहा जी पैसा इस भी हम खाता हूँ, चुप हो गया। अब जब मुझे पता चला तो मैंने कहा यार एक तो ये हमारी शराफत है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं इनका, और ये भी उनकी खुशकिस्मती थी कि ये इंतज़ार हमने ज़्यादा कर लिया और मैं थोड़ा सा और कामों में मसरूफ़ था, वरना तो 15 दिन के इंतज़ार की क्या तुक बनती है। लेकिन मेरा शकवा अपने इन भाइयों से भी है, अमन कमेटी वाले हमारे दोस्त हमारे भाई हैं, देखिए इनका भी काम बनता था कि जब वो सुस्त हैं 15 दिन में वो नहीं, तो कुछ ना कुछ आप भी हमारे साथ कोई हेल्प करते हो, उन तक पैगाम पहुंचाते हैं भाई मामला हल करो। तो बहरहाल चूँकि शिकवे अपने से होते हैं, हमारे भाई हैं हम, लेकिन शिकवा अपने से ही होता है कि ये हजरात भी अगर हमारे साथ इस तरह उस मामले में वो करते तो शायद पुलिस इस हद तक जो है ना सुस्ती का मुजाहरा ना करती।
15 दिन के बाद जब हमने देखा कि मामला जो है ना, इल्ज़ाम हमारे ऊपर लग रहा है कि पैसे इन्होंने खा लिए और अब ये इसलिए मामला ठंडा हो गया है, तो हमने एहतजाज की कॉल दे दी। जब हमने एहतजाज की कॉल दी तो फिर पुलिस मुतहरिक हुई। ये भी हमारे मुल्क का एक कलमी है कि जब तक आप रोड पर नहीं आते हैं, जब तक कोई हल्ला गुल्ला नहीं करते हैं, तो किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। मजबूरन फिर ये करना पड़ता, वरना अल्लाह गवाह मस्जिद में बैठा हूँ रोज़े की हालत में हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तभी तौर पर मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है रोड पर आने के लिए। लोगों को तकलीफ़ होती है, बेचारे मजदूर लोग होते हैं, कोई गरीब कहीं जा रहा है, कोई बीमार है, मरीज़ है, लेकिन दूसरी तरफ मामला ऐसा होता है कि फिर आखिरी जब हद हो जाए तो फिर यही हमारे मुल्क में और तो कोई रास्ता ही नहीं है। अब जब हमने एहतजाज की कॉल दी तो फिर इंतज़ामिया मुतहरिक हुई, फिर कॉलों पर कॉल हैं, फिर रबते कर रहे हैं, जी आपसे मिलना है, बात करनी है। हमने अगरचे इश्तियाल था, सब कुछ था, मकामी साथी भी हमें कह रहे थे भी हमें नहीं मिलना है इनसे, लेकिन फिर भी मैंने इनका कहा यार चले फसाद ना हो, फितना ना हो, रोड पे आने की ज़रूरत ही ना पड़े, पहले ही मामला हल हो जाए। हमारा मकसद ये कि मामला हल हो जाए। फिर हम वहाँ गए थाने बैठे, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी SHO साहब नए आए हुए हैं, और SHO साहब ने भी कहा मैं नया आया हूँ, तो पहले वाले SHO जो हैं वो चले गए हैं, हाँ मलिक अब्दुल अज़ीज़ साहब, और बड़े अच्छे तरीके से वो मिले। मतलब इस वक्त तक उन्होंने जो हमसे बातचीत की है, जिस तरह हमें मिले हैं इस वक्त तक, मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से हमें मिले हैं, बड़े बाखलाक तरीके से। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे, आप मतलब ये है कि कुछ दिन दे दें तो मैं इस मामले को जो है वो देखता हूँ, तो इंशाल्लाह जितना जल्द मुमकिन हो सके तो इस मामले को हल करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप कहते हो हम आपको भी टाइम दे देते हैं। उसके बाद तकरीबन कोई 1.5 हफ्ता गुजर गया, लेकिन FIA की रिपोर्ट, वो जो 18 तारीख का मुआहदा था कि FIA को लिखा है, उस यानी उस वक्त तक, यानी 1.5 हफ्ते के बाद भी FIA की रिपोर्ट नहीं आई, जो 18 तारीख को लिखी थी और अगले महीने के कोई 10 के करीब या 12 इसके लगभग तारीख थी। तो उसके बाद तो फिर हमने अपने पूरी पिंडी के जो हमारे ज़िम्मेदार हैं उन हज़रात से भी रब्ता किया, और जितने हमारे यानी हल्का हबाब था, कि अब हमने हर सूरत जो है ना वो एहतजाज करना है। फिर वो हज़रात हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए, SHO साहब भी थे, DFC साहब भी थे, दीगर हज़रात भी थे, यहीं हम बैठे। मैंने उन्हें कहा जी अब मेरे बस में नहीं एहतजाज की कॉल वापस लेना, क्योंकि ये तो फिर एक ड्रामा होगा ना। लेकिन बहरहाल वो दूसरा एहतजाज भी फिर हमने पूरी एक तरतीब के साथ और बड़ी मुश्किल सतह मुश्किल के साथ उसको, यानी उसका रुख चेंज किया है, मौखर तो हम कर नहीं सकते थे, हमने उसका रुख चेंज कर लिया कि चले मामला हल हो जाए। लेकिन उसके बाद भी यानी वो कोई मामला हल होने के आसार नज़र नहीं आ रहे थे। हमने कहा यह कौन सा मुश्किल काम है, इतना अहम मामला यहाँ है और तारीख हमने बता दी है, इस तारीख को वो लोग स्पेन से आए हैं, इस एयरलाइन में आए हैं, एयरलाइन का नंबर बता दिया, बंदों के नाम दे दिए, ID कार्ड उनके दे दिए, और पीछे रह क्या जाता है, ये तो पुलिस खुद भी जाकर एयरपोर्ट से रिकॉर्ड निकलवा सकती है। तो उन्होंने हमें ये कहा कि जी FIA हमारी बात नहीं मानती है, मतलब उन्होंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं दिया तो FIA हमारे अंडर नहीं है। तो मैंने कहा फिर आप हट जाएं, FIA का बाप भी रिकॉर्ड देगा, इनकी जुरत कैसी है, ये हमारे टैक्सों पर पलने वाले ये जो बैठे हुए हैं, या तो उन्होंने पैसा खाया या ना है, हम इनको देख लेंगे। मैंने कहा ये हमारा काम है, बड़े से बड़ा अफसर भी हो ना, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैंने कहा हम उनको देख लेंगे जो ऐसी पोस्टों पे बैठ के जो है ना इस तरह की खवासत कर रहे हैं। तो ये आखिरी वार्निंग हमने दी, हमने कहा कि FIA को कहें कि ये रिकॉर्ड निकलवा लें। उसके बाद कुछ दिन फिर गुजर गए, हमने फिर रब्ता किया, जी क्या बात है, FIA ने कोई रिकॉर्ड दिया है, नहीं दिया, कहा जी अभी तक नहीं दिया है। हमने कहा आप हमें वो कापी दें, कापी भी मुझे बार हार रब्ता किया कि मुझे वो कापी सेंड करें, जो हमारा पहला मुआहदा हुआ था और जो FIA को आपने भेज लिखा है, जो IB को लेटर लिखा है, उसकी कापी हमें नहीं दी है। तो उसमें फिर ये जावेद शाह जो डेयरी इस्लामाबाद का रहने वाला, उसने जो है ना ये अपना सारा वर्क शुरू किया और प्रोपेगंडा भी शुरू किया, और कुछ इस तरह हमें ये इत्तला मिली कि कुछ चीज़ें जाली बनाने की कोशिश हो रही है। अब हमने कहा कि हमारे इदारों का ये हाल है, आगे जाकर ये तो जाली चीज़ें और ये तो प्रोसेस और लंबा होता जाएगा। तो हमने कहा सीधी बात है कि जाके फिर जो होना, हम यानी 2 महीने तक जो हम कर सकते थे कानूनी तरीके से हमने किया है, अब जब हद हो गई है तो फिर आले इलाका को हमने कहा जी मामला जो है ना अब उस तक नहीं रहा कि ये इदारे इसको हल करेंगे, अब हमें नहीं लगता। तो उन्होंने कहा अगर नहीं लगता तो अब हमें लगता है कि हल होगा, और इन्होंने हल करके दिखा दिया। कल फिर जाकर वहाँ सबके सामने, वहाँ भी कैमरे लगे हुए थे अंदर, और इन्होंने भी सारा लाइव चलाया है, बहुत सारे साथियों ने वीडियो बनाई है, और सारा जो है ना सबके सामने है कि जो कुछ वहाँ से निकला, जब कब्र खोदी है उसमें बिल्ले के साथ ये कुरान मजीद की ये आयात, ये आप खुद देख सकते हैं, ये अब ये देख लें, ये कुरानी आयात, ये आप ये देखें, ये देखें, ये
और बाद में अब वो प्रोपेगंडा ये कर रहे हैं कि ये इन लोगों ने चीज़ें बाहर से ला के डाली हैं। मुझे बताओ कोई ईमानदार आदमी जिसमें ज़र्रा बराबर भी ईमान हो वो कुरान के साथ ये तमाशा करेगा? और अगर हम ये ड्रामा करते और ये फसाद करते तो हम 2 महीने थानों के चक्कर लगाते, हम 2 महीने इधर ख्वार होते, जबकि रमज़ान में तो मेरी रूटीन ये है कि जब चाँद नज़र आ जाए तो मेरे तो मोबाइल की समय निकल, किसी से कोई रबता नहीं होता हमारा। तो इस रमज़ान में हम कभी उधर भाग रहे हैं कभी इधर भाग रहे हैं, सारे मामला हमारे गरम भरम हैं, और वहाँ से जो चीज़ें निकली हैं वो जो बिल्ले की जो सर की हड्डी है वो सब के सामने, ये ज़रा दिखाएं इधर, इस जानमाज में लपेटा हुआ था और ये और कब्र पे आले रसूल की नस्ल, हाँ ये इसको आले रसूल की नस्ल, एक ये पुलिस ने भी कल देखा है और ये पूरा इलाका गवाह है। ये देख लें ये बिल्ले का, ये अगर ये सलामत ना होता मट्टी हुआ होता तो शायद फिर वो गड़बड़ कर सकते थे कि जी नहीं बाकी ये सर बाकी हड्डियां भी हैं और ये करने के लिए इसका डीएनए, एक मिनट और ये खाल भी, एक मिनट और ये खाल भी यहाँ मौजूद है, हाँ ये नीचे ना दगा की किताब, ये बिल्ले की खाल है जिसके बारे में उनका यह था कि ये हमारा मुर्शिद है और कहा कि ये इतना नूर इसका फैलता है कि आंखें देख नहीं सकती हैं। नाम क्या रखा हुआ था? नाम इनका रखा है कि सैयद नूर शाह और ये हमारा पोता है, आले रसूल की नस्बत दी इसको, ऊपर मज़ार बना होता है और ऊपर मज़ार बनाकर पूरा ये ना कुरान खानियाँ होती रही हैं इस पर। जब मैं मिलने गया था वहाँ, जैसे ही मैं कमरे से दाखिल हुआ मुझे कहा जी फातिहा पढ़ लो, मैंने कहा बिल्लों पे ना पहले कभी फातिहा पढ़ी ना बाद में हम कोई पढ़ते हैं, हाँ हम तो फातिहा पढ़ते हैं इंसानों के लिए, साले सवाब भी इंसानों को होता है बिल्लों को नहीं होता। तो इसलिए ये सारी सूरत हाल थी जो आप हजरात के सामने हमने रख दी है और ये इसलिए रखी है क्योंकि इस वक्त वो प्रोपेगंडा हो रहा है कि जी ये पैसों का लेन देन और इस तरह के मामला थे और खाम खा ये चीज़ें की हैं। अगर कोई साथी सवाल करना चाहते हैं सवाले से तो हम मौजूद हैं, सवाल कर सकते हैं। अभी हम जाएँगे थाने और ये जितने जुर्म इन्होंने किए हैं ये जो मुतल्लिका दफात हैं वो इन पे लगेंगे। तोहीन कुरान भी है, आले बैत की तोहीन भी है और ये मुसलमानों की दिल आज़ारी भी है और ये दीन के साथ खिलवाड़ भी है, औलिया अल्लाह की भी तोहीन है क्योंकि मज़ारात ज़ाहिर बात है एक बिल्ले को दफना के मज़ार का वो दो तो ये तो औलिया अल्लाह की भी तोहीन है और उसे वली बावर कराया कि ये वली है। अब बिल्ले को कोई बंदा वली ज़ाहिर करे तो ये वलियों की तोहीन नहीं है। तो ये तमाम दफात इन पर लगेंगी। और अगर इंतज़ामिया इस मामले में, ये मैं आप बता दूँ आखिरी बात, इस मामले में मैं कोई लिहाज करने वाला नहीं हूँ। हम जान अपनी हथेली पे रख चुके हैं, ज़िंदगी और मौत के फासले हमारे लिए बराबर हैं। दीन के मामले में हम कोई लिहाज नहीं करते हैं और ये तमाम दफात लगानी पड़ेंगी। और ये सारे जो है ना, अगर इस मामले में इंतज़ामिया किसी किस्म का गफलत का मुजाहरा करेगी तो ये सिर्फ पिंडी की हद तक नहीं, इंशाल्लाह बहुत आगे तक ये बात जाएगी और मुल्की सतह पर हम इस मामले को उठाएंगे। जो लोग सहूलतकार बन रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई, और जो सहूलतकार हैं खासकर जावेद शाह जो अब तक सहूलतकारी कर रहा है और बाकी भी जो हैं, तो इंशाल्लाह उनको भी कटहरे में लाया जाएगा। हजरत इसमें जो अभी कल एसपी साहब और ऐसे जो कह रहे थे कि ये इतने शवाहिद और इतने 300-400 बंदों ने ये ऐनी गवाह है वो सब कुछ बिल्ले के सर और उसकी जो खाल वगैरह देखी है उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि डीएनए के लिए भेजा जाएगा, आए ये कोई हरबा है मजीद इसको ताखीर करने के लिए? बहरहाल चूँकि इसका तो वो एविडेंस है आपको रिटर्न, ये तो वैसे आप दिखा रहे हैं ना, कोर्ट मांगती है एविडेंस को रिटर्न में पेपर पे, इसका वो सारा जिक्र पेपर पे है, ये निकला है इसमें अभी नहीं, अभी हम लेके जा रहे हैं, अभी ये थाने लेके जा रहे हैं और ये वहाँ वो सील पैक करवाएंगे, उसके बाद दस्तखत होंगे और फिर वो लिबर्टी भेजा, हमें तो क्लियर है, सीधी बात है। लेकिन ये कानूनी जो प्रोसेस होता है उसमें जो है ना, अगर कानूनी प्रोसेस में मतलब फर्ज करो एक मिसाल है, अगर वो पैसा लगा के कोई और रिपोर्ट दे देते हैं, रिपोर्ट आएगी और ना, तो फिर हम भी वो इंशाल्लाह उस रिपोर्ट का जो करना होगा, एसएचओ साहब ने भी देख लिया, अमन कमेटी वालों ने भी देख लिया, नहीं पूरा इलाका गवाह है वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे चेयरमैन साहब ने कहा ये बात भी फेंकने वाली नहीं है, रिटर्न में नहीं, ये इनकी बात दुरुस्त है तो रिटर्न के क्योंकि करने के बाद भी आगे जाता, क्योंकि जो कानूनी प्रोसेस हुई तरतीब होती है, हमारा मुतालबा ये है कि रिटर्न का जो प्रूफ जिस हिसाब से ये बनाते हैं उसमें वो सालों लगा देंगे, तो इसलिए हम नहीं लगने देंगे, जल्द से जल्द इस पर किए
किया जाए, वरना हम एहतजाज की कॉल देंगे। जल्द नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह हम अगला लाया अमल तय करेंगे। और अभी जो है ना अभी के लिए जो लोग यहाँ पर आते रहे, और ये जो मस्जिद का मामला है, कल भी मैंने वहाँ कहा था, मैंने कहा देखें इसको मस्जिद का मसलक का तनाज़ा हम नहीं बनाएंगे। यहाँ के मकामी बरेलवी हजरात हैं, वो हमारे हमारे साथ उनके बड़े अच्छे तालुकात हैं, आले हदीस हजरात हैं, हमारे भाई हैं, हमारा आपस में एक जोड़ है इस इलाके में। कभी कोई देवबंदी बरेलवी आले हदीस तनाज़ा इस इलाके में ना हुआ है और ना हम होने देंगे। किराए पे बाहर से जिसको भी लेकर आएंगे तो अपने पाँव पर वो वापस चल कर नहीं जाएगा। ये हमने कल भी कहा था, मस्जिद अल्लाह का घर है, वहाँ नमाजें हों, जिक्र तलावत जो करना चाहे बस फिर वो जाए, वहाँ किसी मसलक के हवाले से कोई सरगर्मी वहाँ नहीं होगी। ये हमने कल वहाँ तय कर लिया था। और आज हमें पता चला कि बाहर से दो मौलवी आए हैं किराए पे, उन्होंने कहा जी हमें मालकों ने भेजा है कि जाके नमाज पढ़ाएं। ये तो उनकी खुशकिस्मती थी कि हमें बाद में पता चला और मकामी वहाँ लोगों ने उनको ज़रा धुलाई करके भेज दिया। जो वहाँ इमाम है उनका नाम क्या है, क्या वही इमाम बरकरार रहेंगे? वही रहे, हमें उसे कोई नाम उनका क्या है इमाम साहब का, बहरहाल जो भी इमाम साहब हैं, इमाम साहब हाँ इमाम साहब वहाँ रहें, और इसके अलावा बाकी वहाँ किसी किस्म की कोई सरगर्मी नहीं होगी। कारी एहसान साहब नाम है और वही हाँ, और आले मोहल्ला, आले मोहल्ला ये मस्जिद उनकी होगी। क्योंकि थाने में एक वो पुलिस वाले ने हमसे ये भी सवाल किया ना कि फिर मस्जिद का क्या होगा, उन्होंने समझा शायद मौलवी साहब मस्जिद के पीछे पड़े हुए हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमें अगर आप फैसल मस्जिद की ऑफर करें तो हमें उसकी भी वो नहीं है, हम इससे बहुत ऊँचा सोचते हैं और ऊँची जो है ना वो हमारी परवाज़ है, तो हमें इन चीज़ों में नहीं उलझते। मस्जिद आले मोहल्ला की होगी, नमाज और वो जो सिलसिला है वो उसी तरह चलता रहेगा, लेकिन बाहर से किसी की मुदाखलत हुई तो जो भी फिर हालात खराब होंगे जिम्मेदार इंतजामिया होगी। ठीक है, दुआ करें।